अब नहीं हो जच नहीं हो है गलबात पूरी पूरी सिमी जी ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੀਵ ਇਹ ਸੋਹਣਿਆ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਸ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਹ ਆ ਥੋੜੀ ਥੋੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ मुझे हमेशा से पसंद बहुत था ये सिनेमा मैं बहुत देखता था सिमी की मैंने सारी फिल्में देखी थी ये जो फिल्म हमारी बनी है ये टिपिकल पंजाबी सिनेमा भी नहीं है इट्स अ वेरी इंटरनेशनल कन्वेंशनल सिनेमा विद लॉट्स ऑफ कलर्स आप देख रहे होंगे कि उसको वो एक रंग बहुत है और फिल्म रंगों का ही नाम है फिल्म ख्वाबों का ही नाम है मन के चाह कितना था यार मेरी पहली फिल्म आ रही है ये फिल्म ऐसी है कि जिसमें और यकीनन ये फिल्म आप जो आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये खिड़की तोड़ रश करने वाली फिल्म है वाह वाह तुसी सचमुच भी शरारती जे सुभा दे हो ओए लगदे हो तुसी सचमुच गंभीर हो के लगदे हो ये आप से पूछ द ओनली पर्सन आई थिंक शी टेक्स सीरियस इन लाइफ इज हर मदर एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई इवन रिस्पेक्ट हर मोर जो अपनी माँ को सीरियस लेता है माँ से प्यार करता है वो उसकी दिल में जो है ना मेरी मेरी बहुत खूब इसका सारी सारी दुनिया इसकी माँ है तुर्बत भी नहीं दिल से उतर भी नहीं जाता तुर्बत का मतलब करीब होना इशारा नज़दीकी तुर्बत भी नहीं दिल से उतर भी नहीं जाता वो शख्स कोई फैसला कर भी नहीं जाता हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर डबल दोहरी द डबल और अजियत का मतलब पेन कि हम ऐसे मुसाफिर हैं कि जिसकी पेन डबल हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर पाँव भी हैं शल शौके सफर भी नहीं जाता वाह मतलब हमें पाँव भी हमारे थक गए लेकिन हमें चलने का शौक भी है तो हमें ये तकलीफ ज़्यादा है दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब सिरा और तुसी पेश करोगे अरे ये क्या ये इतना दर रिएक्शन देख लिया ना आज यही साडी सारी ऑडियंस दा होना अरे बस यही साडी प्राप्ति है यही साडी प्राप्ति है सब तो बड़ी गल मेरे लिए पर्सनली ये है भी ये फैमिली मूवी है परिवार नाल देखण वाली मूवी है किसी इंसान नु ये नहीं लगूगा भी मैं क्यों अपनी फैमिली नु नाल ले आया न्याणे वड्डे बुजुर्ग जो मर्जी जाओ तुसी खुश होके ही निकलो तो नु लगूगा भी एक बारी और देखेंगे सत श्री अकाल दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा तो देख रहा हूँ अजीत वैब टीवी ते एक बार फिर पंजाबी फिल्म की गलबात लेके हाजिर हाँ असी अक्सर यह गल कहने होंने कि पंजाबी फिल्मा बनदिया रहन चंगीया फिल्मा बनदिया रहन कला नचण टप्पण वाला विषय नहीं होना चाहिए उन्हें कुछ समझाने वाली गल्ला भी होंदिया रहन दो देशों की मुहब्बत की जेकर गल करन फिर सोने तो सुहागे वाली गल है सो एक फिल्म आ रही जी 16 फरवरी यदा नाँ हैगा जी वे सोहणिया जी पहली चंगी वड्डी ते सिरे दी गल ए आ भी ये दोहां पंजाबां दी गल करदी आ मुहब्बत दी चाशनी दे विच भिज जाण दी गल करदी आ साडे नाल ने फिल्म दे नायक इमरान अब्बास साहब ते नाल ने सिमी चहल जी की हाल है जी जिंदाबाद हो चढ़दे कला दे विचों हबदे हो जचदे हो है गलबात पूरी पूरी पता नहीं इसे आप बताएंगे नहीं आपका नाम बहुत है पाकिस्तान में और हमने दुबई में भी देखा कितने लोग आते हैं पिक्चर करवाने बोलते कि इमरान तो कोका है कोका की होता है सिरा है आता है गदर है बम है अच्छा या ये बम वाली बात यहाँ समझ में आनी शुरू हो गई है मुझे असि जी इस वेले दुबई के बुर्ज खलीफा के अगे बैठ के मुलाकात कर रहे हैं अजीत वैब टीवी के लिए सिमी जी तुसी बंबू कार तो शुरुआत की जीव है सोहणिया जी तक पहुँच गए हैं यह सफर किवें दा रहा जी बहुत वधिया रहा बहुत वधिया रहा बस शुकराना ही है भाई जी बहुत वधिया रहा बस थोड़ा ध्यान नाल आराम आराम नाल मैं थोड़ी जी चूज़ करती हाँ प्रोजेक्ट्स यह आ थोड़ी थोड़े आराम नाल स्लो काम करती हाँ पर गड्डी चली जाती है वधिया हाँ पर जो तुसी पहले दिन जो काम किया जो थोड़ा पहला मौका मिलया तो जो थोड़ा हूँ इस फिल्म का मौका मिलया तो मन के ख्याल भी सिमिए कितों तुरी बरनाले दुनिया भर के शाग ही कोके जड़ते भाजी ये मूवी का जो इस मूवी तक सफ़र पहुँचा करते करते यदा ना इस मैसेज बहुत सोहना गल बहुत सोहनी आ तो जो मैं दीपक ने सुनाई तो दादू का फोन आया मैं राइट अवे गल उन्नी क गल सुन के मैं हाँ कहता सी भी जे तुसी इस पक्ष की गल कर रहे हो
ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਫਿਰ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਆਪ ਕੀ ਚਲੋ ਅਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸਹਾਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਜੀ ਬਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ मुझे हमेशा से पसंद बहुत था सैयद सिनेमा मैं बहुत देखता था सिमी की मैंने सारी फिल्में देखी हुई थी लेकिन अच्छा मुझे जो चीज़ फैसिनेट करती थी वो प्योरिटी और वो एक सच्चाई जो नज़र आती है ना आपके एक्टर्स के अंदर और एक उनके उनकी परफॉर्मेंसेस में उस लैंडस्केप में मट्टी के रंग वो खाकी एक अर्दी सी टोन वो पैलेट वो मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेट करती थी लेकिन मैंने जब खुद भी इसमें काम किया तो मुझे लगा कि अब ये जो फिल्म हमारी बनी है ये टिपिकल पंजाबी सिनेमा भी नहीं है इट्स अ वेरी इंटरनेशनल कन्वेंशनल सिनेमा विद लॉट्स ऑफ कलर्स विद आप देख रहे होंगे कि उसको वो एक रंग बहुत हैं और फिल्म रंगों का ही नाम है फिल्म ख्वाबों का ही नाम है फिल्म फैंटेसी का बहुत खूब मन च चा किन्ना था यार मेरी पहली फिल्म आ रही है देखिए फिल्म एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा मेरा ख्याल है डायरेक्टर भी कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता होगा कि उसकी फिल्म सुपर हिट होगी या फ्लॉप होगी अदरवाइज वो फिर अगर उसको पता होगी फिल्म खराब जाएगी तो काम ही ना करे उसके अंदर फिल्म इज़ अ वेरी अनप्रडिक्टेबल मीडियम सो धड़के तो हमेशा लगे रहेंगे लेकिन ये फिल्म धड़कों से आगे की है ये फिल्म ऐसी है कि जिसमें और यकीनन ये फिल्म आप जो आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये खिड़की तोड़ रश करने वाली फिल्म है वाह वाह लेकिन इसका ऑब्जेक्ट जो है ना बनाने का वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कहीं ज़्यादा है बहुत खूब जो अल्टीरिया मोटिव है ना फिल्म का वो ये है कि ये जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो इस सिनेमा की कलेक्शन से बहुत आगे की बात पिछले थोड़े के समय दे विच पाकिस्तान दे बहुत सारे कलाकार बॉलीवुड दी फिल्मां च आ रहे हैं हाँ जी हाँ जी तुसी भी हुण आ गए हो हाँ जी लगता कि सिनेमा बहुत वड्डा होएगा इस तरह देखिए वही वाली बात है ना कि जितना हम मिलकर ग्रो करेंगे हमारी रीच ज़्यादा होगी और मैं उन सारे एक्टर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने रस्ते खोले हमारे सारे वो सीनियर एक्टर्स जो बड़ी अच्छी पाकिस्तान में जिनका नाम है जो कॉमेडी करते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये रास्ते खोले और उन्होंने वहाँ नाम बनाया और उनकी इस कॉम्बिनेशन में जो फिल्में कोलैबोरेशन में बनी वो पाकिस्तान में सुपर डुपर हिट गई इस तरह लास्ट कैरी ऑन जट्टा वॉज द बिगेस्ट हिट इन पाकिस्तान ऑफ दैट सीजन एंड स्टिल रनिंग इन सिनेमाज ऑन स्क्रीन सो या तो ये बहुत उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये दरवाजे खोले और शायद मेरे आने से अब लीड एक्टर्स के भी दरवाजे खुले बहुत खूब सिमी जी जो भी फिल्म आनी हो कोई भी एक धुड़कू जहा हों जिमें ना दसवीं का पेपर दिता होंगे तो नतीजा आना थोड़ा नतीजा 16 नू आना की लगता बहुत वधिया होगा मैं तो यह लगता पूरा पूरा वधिया नतीजा होगा क्योंकि भाजी मेरा मानना भी जेड़े तुसी साफ दिल नाल कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हो नीत साफ हो तो वो काम रब इनका बच्चा जो है ना वो कभी लगता कभी मरेगा ही नहीं वो ये बच्चा ही अंदर से अच्छा बहुत खूब चलो काम के अलावा किसी को सीरियस नहीं लेना किसी इंसान को भी सीरियस नहीं बस काम 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 हाँ जी मैं काम प्रति मैं बहुत सीरियस हाँ पर जे मेरी निजी जिंदगी च देखो वेरी नॉन सीरियस द ओनली पर्सन आई थिंक शी टेक्स सीरियस इन लाइफ इज हर मदर एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई इवन रिस्पेक्ट हर मोर जो अपनी माँ को सीरियस लेता है माँ से प्यार करता है वो उसकी दिल में जो है ना मेरी बहुत खूब बहुत ही उसका सारी सारी दुनिया की माँ है साड़ी बहुत दिल की ना तमन्ना रही है कि असी वार वार गलबात करिए जदों भी जलंधर आते हैं असी गलबात करते सू चा चढ़ जाता इन्होंने भी असी एक बार कैनेडा गए तो उत्थे आया फोन कहने भी तुसी इत्थे है नहीं फिर असी ऑनलाइन की इंटरव्यू ना सानू स्वाद आया ना इन्हों आया फिर हम बहुत वधिया कीता भाजी कि तुसी इत्थे बैठे हो साडे नाल बहुत मेहरबानी थैंक यू तुहाडा अमरिंदर गिल नाल फिल्मां कीतियां तीन मेरे ख्याल जिवें सेपी ते आपां फिल्मां सारियां फड़ लईआं उहनां ओ पाजी एक ही इन्नी हिट हो गई फिर तरसेम जसड़ नाल हां जी सर उधर भी तुसी पूरा पैकेज कीता वे जिन्नीया बनाओगे मैं करूं हां जी तीन हुण इना नाल भी कर लिया इना नाल भी अभी एक और प्लान में है बताएंगे हां जी इना नाल भी मैं पाजी आप नहीं कर दी डील पर ओ रब वल्लो ही
ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤਰਸੇਮ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੱਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਕਰੋੜੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਦੇ 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਮੈਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਫਿਲਮ ਜੋ ਥੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਉਨਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਨੇ ਕੀਆ ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਏਲੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੋਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਉਰਦੂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਰਦੂ ਸੇ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਸੇ ਤੋ ਵੋ ਬੈਰੀਅਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਪ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿਨੇਮਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਵਿਦਾਊਟ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਸਭ ਟਾਈਟਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਟਾਈਟਲ ਸੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੇ ਮੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਆਪ ਸ਼ਕਲ ਕਿਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੋ ਆਪ ਨੀਚੇ ਹੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਸਭ ਟੈਕਸਟ ਸੋ ਆਪਕੋ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਧਨੌਲੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਲਦੋ ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਂ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਅਬ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹਮਾਰਾ ਔਰ ਵਾਈਡਨ ਹੋ ਔਰ ਕੈਨਵਸ ਬੜੇ ਔਰ ਉਧਰ ਸੇ ਉਧਰ ਉਹ ਜੋ ਹਮ ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਕਾ ਵਹਾਂ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਵੋ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਜੋ ਡਾਇਲੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਖਾਣੇ ਚੇਂਜ ਹੋਤੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਤੇ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਾ ਇੱਕ ਫੀਲ ਚੇਂਜ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਜੋ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨੇ ਕਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੀ ਕਰ ਪੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਆਉਣੀ ਆ ਜੀ ਵੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਹੋ ਜੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਭਜਾਊਗਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਉਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਾ ਲੈਣਾ ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੀ ਕੈਸਟ ਆਵੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਸ਼ਰਣ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਨਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਮਿੰਟੂ ਕਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਣੀ ਆ ਉਦਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਨ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਬਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਹੈ ਅਨਮ ਤਨਵੀਰ ਸਾਜਿਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸਲਮਾ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਪਲੇਡ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦੇ ਟੁੱਕ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਐਕਟਰਸ ਹੂ ਵਰ ਫਰੋਮ ਦ ਸੇਮ ਰੀਜਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਬੜਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੇ ਵੀ ਲੜਕਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਿਲੀਵੇਬਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਵੋ ਤਭੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਜਬ ਵੋ ਰੀਅਲ ਮੇਂ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਝੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਤੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਸਭ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਤੋ ਵੋ ਯਕੀਨ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਕਾਸਟ ਕੀਆ ਗਿਆ ਕਾਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 16 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 14th ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਉਹ
ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਾਦੂ ਦਾਦੂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਦਾਦੂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈ ਦੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੜਦੇ ਵਰੁਣ ਅਰੋਰਾ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਮਿਸ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਅਬਾਊਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਗੜਬੜੇ ਤੋਂ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੀਟੇਕਸ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਦਾਦੂ ਨੇ ਤੇ ਵਰੁਣ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਧਰ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋਗੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਭੀ ਆਗੇ ਕਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਕਭੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਪਲਾਨਸ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੋਂ ਕੇ ਟੁੱਟਨੇ ਸੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ ਜਬ ਆਪਕੇ ਇਰਾਦੇ ਟੁੱਟਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਇਰਾਦੇ ਹਮਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੋ ਆਈ ਜਸਟ ਲੈਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਫਲੋ ਜਸਟ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਥੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੋਤੇ ਥੇ ਜੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਥੇ ਉਨਕੋ ਮੈਨੇ ਬਚਪਨ ਸੇ ਆਪਣੀ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਸਾਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਆਪਕੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਾਕਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੋ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਹੈ ਵਾਹ ਤੋ ਇਹ ਬੜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥੀ ਔਰ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੇਰੀ ਉਰਦੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਆਨੇ ਦੋ ਤੁਰਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਸੇ ਉਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਤੁਰਬਤ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੁਰਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਸੇ ਉਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਵੋ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਹਮ ਦੋਹਰੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਡਬਲ ਦੋਹਰੀ ਦਾ ਡਬਲ ਔਰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਕਾ ਮਤਲਬ ਪੇਨ ਕਿ ਹਮ ਐਸੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਕੀ ਪੇਨ ਡਬਲ ਹੈ ਹਮ ਦੋਹਰੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਪਾਓ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਲ ਸ਼ੌਕੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਵਾਹ ਮਤਲਬ ਹਮੇ ਪਾਓ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਥੱਕ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਹਮੇ ਚਲਨੇ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਯੇ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਕੋ ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਪੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਝਸੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣੇ ਕਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਆ ਸ਼ਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਰੇ ਇਹ ਕਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਾਂ ਉਸਤੇ ਸਮਝ ਮੇ ਆ ਗਈ ਯਹੀ ਕਿ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬਲੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਹਮਾਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੇ ਲਈ ਸਮੀ ਉਧਰ ਆਏ ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਫੈਨ ਬੇਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਫੱਬੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਰਸ਼ਾਦ 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 ਇੱਕ ਆਪ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿੰਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਭੀ ਜੋ ਕੱਲ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਥਾ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕੋ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲਤੀ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਮਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਸਫ਼ਰ ਮੇ ਰਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਮੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਆਡੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਬੇਹੱਦ ਚੱਲੇ ਇਹਦੇ ਕਈ ਭਾਗ ਬਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟ ਲੈ ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉੱਥੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀਤੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਮੀ ਚਹਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਬਦੇ ਹੋ ਜੱਚਦੇ ਹੋ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸਿਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
मुझे हमेशा से पसंद बहुत था ये सिनेमा, मैं बहुत देखता था सिमी की, मैंने सारी फिल्में देखी थी। ये जो फिल्म हमारी बनी है ये टिपिकल पंजाबी सिनेमा भी नहीं है, इट्स अ वेरी इंटरनेशनल कन्वेंशनल सिनेमा विद लॉट्स ऑफ कलर्स। आप देख रहे होंगे कि उसको वो एक रंग बहुत है, और फिल्म रंगों का ही नाम है, फिल्म ख्वाबों का ही नाम है। मन के चाक ना था यार, मेरी पहली फिल्म आ रही है, ये फिल्म ऐसी है कि जिसमें, और यकीनन ये फिल्म आप जो आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये खिड़की तोड़ रश करने वाली फिल्म है। वाह वाह, तुम सच्ची मुच्ची भी शरारती जो सुभा दी हो ओए लग रही है, तुम सच्ची मुच्ची गंभीर हो क्या लग रही हो? ये आप से पूछ रही हूं। द ओनली पर्सन आई थिंक शी टेक्स सीरियस इन लाइफ इज हर मदर, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई इवन रिस्पेक्ट हर मोर। जो अपनी माँ को सीरियस लेता है, माँ से प्यार करता है, वो उसकी दिल में जो है ना मेरी बहुत बहुत इसका सारी सारी दुनिया की माँ है। तुर्बत भी नहीं दिल से उतर भी नहीं जाता, तुर्बत का मतलब करीब होना, इशारा नज़दीकी। तुर्बत भी नहीं दिल से उतर भी नहीं जाता, वो शख्स कोई फैसला कर भी नहीं जाता। हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, डबल दोहरी डबल, और अजियत का मतलब पेन, कि हम ऐसे मुसाफिर हैं कि जिसकी पेन डबल है। हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव भी हैं शल, शौक़ सफ़र भी नहीं जाता। वाह, मतलब हमें पाँव भी हमारे थक गए लेकिन हमें चलने का शौक़ भी है, तो हमें ये तकलीफ ज़्यादा है। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सिरा हम तुसी पेश करूंगा। अरे ये क्या, ये कितना दर रिएक्शन देख लिया ना, आज यही साडी सारी ऑडियंस दा होना, यही साडी प्राप्ति है, यही साडी प्राप्ति है। सब तो वड्डी गल मेरे लिए पर्सनली यह है भी यह फैमिली मूवी है, परिवार नाल देखण वाली मूवी है। किसी इंसान नु ये नहीं लगेगा भी मैं क्यों अपनी फैमिली नु नाल ले आया, न्याणे वड्डे बुजुर्ग जो मर्जी जाओ तुसी खुश हो के निकलो, तुहानू लगेगा भी एक बारी होर देखेंगे। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा, तुम देख रहे हो अजीत वैब टीवी। तो एक बार फिर पंजाबी फिल्म की गलबात लेके हाजिर हाँ। असी अक्सर यह गल कहने हुन्ने कि पंजाबी फिल्मां बनदियां रहन, चंगीआं फिल्मां बनदियां रहन, कल्ला नचण टप्पण वाला विशा नहीं होना चाहिए, उहदे विच कुछ समझाउण वालियां गल्लां भी हुंदियां रहन। दो देशां की मुहब्बत की जेकर गल करन तां फिर सोने तो सुहागे वाली गल है। सो एक फिल्म आ रही जी 16 फरवरी नूं, इहदा नाम हैगा जी वे सोहणिया जी। पहली चंगी वड्डी ते सिरे दी गल ये है भी ये दोहां पंजाबां दी गल करदी है, मुहब्बत की चाशनी दे विच भिज जाण दी गल करदी है। साढ़े नाल ने फिल्म दे नायक इमरान अब्बास साहब ते नाल ने सिमी चहल जी। की हाल है जी, जिंदाबाद हो, चढ़ते कला दे विचों फबदे हो जचदे हो, है गलबात पूरी पूरी पता नहीं, ये तो आप बताएंगे। नहीं, आपका नाम बहुत है पाकिस्तान में, और हमने दुबई में भी देखा, कितने लोग आते हैं पिक्चर करवाने, बोलते कि इमरान तो कोका है। कोका की होता है? सिरा है, आता है, गदरा है, बम है। अच्छा यहाँ ये बम वाली बात यहाँ समझ में आनी शुरू हो गई है मुझे। असी जी इस वेले दुबई के बच्चा बुर्ज खलीफा के अगे बैठ के मुलाकात कर रहे हैं अजीत वैब टीवी के लिए। सिमी जी, तुसी बंबू कार तो शुरुआत की थी, ते जी वे सोहणिया जी तक पहुँच गए हैं, ये सफ़र किवें दा रहा? जी बहुत वधिया रहा, बहुत वधिया रहा, बस शुकराना ही है भाजी, बहुत वधिया रहा। बस थोड़ा ध्यान नाल आराम आराम नाल मैं थोड़ी जी चूज़ करती हाँ प्रोजेक्ट्स, यह आ थोड़ी थोड़े आराम नाल स्लो काम करती हाँ, पर गड्डी चली जाती है वधिया। हाँ, पर जे तुसी पहले दिन जो काम किया, जो थोड़ा पहला मौका मिलया, तो जो थो हूँ इस फिल्म का मौका मिलया, तो मन के ख्याल भी सिमिए कितों तुरी बरनाले हो, दुनिया भर के शाग ही कोके जड़ते भाजी। यह मूवी का जो इस मूवी तक सफ़र पहुँचा करते करते यदा ना इस मैसेज बहुत सोहना, गल बहुत सोहनी आ, तो जो मैं दीपक ने सुनाई तो दादू का फोन आया से मैनू, मैं राइट अवे गल उन्नी गल सुन के मैं हाँ कहता सी भी जे तुसी इस पक्ष की गल कर रहे हो फिर मैं तो डना आला, तो फिर मैं बाद चो पता चला भी इमरान जी ने, फिर मैं ये तो सोने तो देर हो चुकी थी, फिर देर हो चुकी थी, अब क्या चलो, फिर मैं क्या सोने तो सहागा, ये तो बहुत वधिया। फिर जी बस अज तुहाडे सामने बैठे बहुत खूब,
इमरान जी कहते सोचा कि पंजाबी फिल्म के बॉलीवुड की फिल्म के कभी नहीं सीरियसली कभी सोचा भी नहीं था। मुझे हमेशा से पसंद बहुत था सैयद सिनेमा, मैं बहुत देखता था सिमी की, मैंने सारी फिल्में देखी हुई थी। लेकिन अच्छा मुझे जो चीज़ फैसिनेट करती थी वो प्योरिटी और वो एक सच्चाई जो नज़र आती है ना आपके एक्टर्स के अंदर और एक उनके उनकी परफॉर्मेंसेस में, उस लैंडस्केप में मट्टी के रंग, वो खाकी एक अर्दी सी टोन, वो पैलेट, वो मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेट करती थी। लेकिन मैंने जब खुद भी इसमें काम किया तो मुझे लगा कि अब ये जो फिल्म हमारी बनी है ये टिपिकल पंजाबी सिनेमा भी नहीं है, इट्स अ वेरी इंटरनेशनल कन्वेंशनल सिनेमा विद लॉट्स ऑफ कलर्स, विद आप देख रहे होंगे कि उसको वो एक रंग बहुत हैं और फिल्म रंगों का ही नाम है, फिल्म ख्वाबों का ही नाम है, फिल्म फैंटेसी का बहुत खूब मन के चा किन्ना का यार मेरी पहली फिल्म आ रही है। देखिए फिल्म एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा मेरा ख्याल है डायरेक्टर भी कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता होगा कि उसकी फिल्म सुपर हिट होगी या फ्लॉप होगी, अदरवाइज वो फिर अगर उसको पता होगी फिल्म खराब जाएगी तो काम ही ना करे उसके अंदर। फिल्म इज़ अ वेरी अनप्रडिक्टेबल मीडियम, सो धड़के तो हमेशा लगे रहेंगे लेकिन ये फिल्म धड़कों से आगे की है। ये फिल्म ऐसी है कि जिसमें और यकीनन ये फिल्म आप जो आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये खिड़की तोड़ रश करने वाली फिल्म है। वाह वाह। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट जो है ना बनाने का वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कहीं ज़्यादा है। बहुत खूब। जो अल्टीरियर मोटिव है ना फिल्म का वो ये है कि ये जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो इस सिनेमा की कलेक्शन से बहुत आगे की बात। पिछले थोड़े के समय के पाकिस्तान के बहुत सारे कलाकार बॉलीवुड फिल्मों च आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तुसी भी हुण आ गए हो। हाँ जी। लगता कि सिनेमा बहुत वड्डा होएगा इस तरह? देखिए वही वाली बात है ना कि जितना मिलकर ग्रो करेंगे हमारी रीच ज़्यादा होगी, और मैं उन सारे एक्टर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने रास्ते खोले। हमारे सारे वो सीनियर एक्टर्स जो बड़ी अच्छी पाकिस्तान में जिनका नाम है, जो कॉमेडी करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये रास्ते खोले और उन्होंने वहाँ नाम बनाया और उनकी इस कॉम्बिनेशन में जो फिल्में कोलैबोरेशन में बनी वो पाकिस्तान में सुपर डुपर हिट गई। इस तरह लास्ट कैरी ऑन जट्टा वाज द बिगेस्ट इन पाकिस्तान ऑफ दैट सीजन, इट्स स्टिल रनिंग इन सिनेमाज ऑन स्क्रीन। सो या तो ये बहुत उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये दरवाजे खोले और शायद मेरे आने से अब लीड एक्टर्स के भी दरवाजे खुले। बहुत खूब। सिमी जी जदों भी फिल्म आनी हो कोई भी एक धुड़कू जहा हों जिमें ना दसवीं का पेपर दिता हों नतीजा आना, थोड़ा नतीजा 16 आना की लगता? बहुत वधिया होगा, मैं तो लगता पूरा पूरा वधिया नतीजा होगा क्योंकि भाजी मेरा मनना भी जेड़ा तुसी साफ दिल नाल कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हो, नीत साफ हो तो वो काम रब ठीक ही सीधा ही सिरे लाउंदा। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਆਪ ਸੇ ਪੁੱਛ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇਨਕਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਕਭੀ ਲੱਗਤਾ ਕਭੀ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੇ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਿਡ ਫਰਮ ਇਨਸਾਈਡ। ਯਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਚਲੋ काम के अलावा किसी को सीरियस नहीं लेना, किसी इंसान को भी सीरियस नहीं। बस काम 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 काम। हाँ जी मैं काम प्रति मैं बहुत सीरियस हाँ, पर जे मेरी निजी जिंदगी च देखो वेरी नॉन सीरियस। द ओनली पर्सन आई थिंक शी टेक्स सीरियस इन लाइफ इज हर मदर, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई इवन रिस्पेक्ट हर मोर। जो अपनी माँ को सीरियस लेता है, माँ से प्यार करता है, वो उसकी दिल में जो है ना मेरी बहुत खूब बहुत ही इसका सारी सारी दुनिया की माँ है। साड़ी बहुत दिल की ना तमन्ना रही है कि असी वार बार गलबात करिए, ये जो भी जलंधर आते हैं असी गलबात करते सू चा चढ़ जाता। इन्होंने भी असी एक बार कैनेडा गए तो उत्थे आया फोन कहने भी तुम इतने है नहीं, फिर असी ऑनलाइन की इंटरव्यू ना सानू स्वाद आया ना इन्होंने आया। फिर हम बहुत वधिया किया भाजी कि तुम इतने बैठे हो साडे नाल। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। तुहाडा अमरिंदर गिल नाल फिल्मां कीतियां तीन, मेरा ख्याल जिवें सेपी ते आपां फिल्मां सारियां फड़ लईआं उहनां। ਪਾਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ ਵੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਗੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਭੀ ਇੱਕ ਔਰ ਪਲਾਨ ਮੈਂ ਬਤਾਏਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਜੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਡੀਲ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤਰਸੇਮ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੱਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ। ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਕਰੋੜੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਿਆ,
कदे 55 करोड़ का बिजनेस हो गया, कदे 35 करोड़ का बिजनेस हो गया। तो इधर हिंदी फिल्मों का मुकाबला कर लग पाया जी साडा भारतीय पंजाबी सिनेमा। पाकिस्तान के पंजाबी फिल्मों को कितना प्यार मिलता, तुम ड्रामे जुड़े हुए हो, तुम थिएटर के नाल जुड़े हुए हो। मैंने बताया कि लास्ट फिल्म जो थी वो उस वक्त की जितनी भी बाकी फिल्म रिलीज़ हो रही थी और भी दुनिया की, उनमें सबसे ज़्यादा पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा ने किया। तो ये एक बहुत वेलकमिंग बात है। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि पंजाबी एक इतनी एलियन लैंग्वेज नहीं है फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड उर्दू। ये बहुत मुख्तलिफ नहीं है उर्दू से और हिंदी से, तो वो बैरियर ऑलरेडी क्रॉस हो जाता है। एक बिल्कुल एक आप सिर्फ फ्रेंच सिनेमा दिखाना शुरू कर देंगे जो एक हिंदी समझने वाले को नहीं आया होगा, विदाउट सब टाइटल, में सब टाइटलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है सब टाइटल से आधी हो जाती है बात, वो मज़ा ही नहीं आता। आप पढ़ने में लग रहे होते हैं, आप शक्ल क्या देख रहे होंगे, वो आप नीचे ही वो पढ़ रहे होते हैं सब टेक्स्ट, तो आपको सब टाइटल की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस लैंग्वेज। एंड इमरान साहब, तुम्हें शूटिंग की इंग्लैंड के कुछ एक हिस्सा यहाँ होया उधर लाहौर के वल, थोड़ा अपना मन करता कि बरनाले के शूटिंग हो, पटियाले हो, धनौले हो जाए, फरीदकोट हो जाए। ऑल्दो मैं जा चुका हूँ बहुत दफ़ा, पटियाला तो मैं नहीं गया हूँ, मैं अमृतसर गया हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि ये चीज़ें हों, कि हमारे अब लैंडस्केप हमारा और वाइडन हो और वो कैनवस बढ़े और उधर से उधर, वो जो हम सब देखना चाहते हैं वहाँ का, वहाँ की सिमिलैरिटीज़ और वो जो थोड़े बहुत जो इलाके एक एक एरिया के बाद थोड़ा सा जो डायलैक्ट चेंज होता है, लोगों की खाने चेंज होते हैं, लोगों के त्यौहार चेंज होते हैं, म्यूज़िक का एक फील चेंज होता है, वो जो डाइवर्सिटी होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है। तो वो एक्सपीरियंस करने का दिल तो बहुत ज़्यादा अच्छा। वाह बहुत खूब, तुम नवे की पूर्व उपराले कर रहे हो, तो मैं सुनया भी गाँव भी लग गए हो, क्योंकि जलों के असं इतने आए हैं पत्रकार भाईचारा सारा कहना कहें भी इन्होंने गाना शुरू कर दिता, इन्हों की नवी एल्बम आनी है, जी वे सुने जी शायद वह ना रख लैन भाग दूजा हो जाए। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਕ ਭਜਾਊਗਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਖਾਸੀਅਤ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਉਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਾ ਲੈਣਾ ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੀ ਕੈਸਟ ਆਵੇ। जिदा की देखे ही गाने च मैं थोड़ा रो रही हां, प्यार भी आ, सारे सारे इमोशंस ने, यह बहुत वधिया मिश्रण आ हर चीज़ का, मतलब तुहानू हर इमोशन मिलेगा। पर सब तो वड्डी गल मेरे लिए परसनली यह आ भी यह फैमिली मूवी आ, परिवार नाल देखण वाली मूवी आ, किसी इंसान नू ये नहीं लगेगा भी मैं क्यों अपनी फैमिली नू नाल ले आया, न्याणे वड्डे बजुर्ग जो मर्जी जाओ तुसी खुश हो के निकलोगे, तुहानू लगेगा भी एक बार होर देखेंगे। हाँ जी, होर साथी कलाकार कड़े कड़े है, होर मिंटू कापा जी ने बहुत वधिया काम किया, उन्होंने वो इन्हों के बेस्ट फ्रेंड ने, मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी आ उदया, ओह बहुत वधिया, सो यही मेन कलाकार यही असी आ। बस पाकिस्तान से कुछ गेस्ट अपेयरेंसेज हैं, अनम तनवीर, साजिद हसन साहब, सलमा जफर, दे प्लेड माई फैमिली फ्रॉम पाकिस्तान, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दे टुक ऑल दोज एक्टर्स हु वर फ्रॉम द सेम रीजन, बिकॉज वो ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। इस कैरेक्टर के लिए कोई हिंदुस्तान से भी लड़का लिया जा सकता था, लेकिन जो बिलीवेबल एक चीज़ लगती है वो तभी लगती है जब वो रियल में हो, क्योंकि मेरा एक इमेज है कि लोग मुझे थोड़ा बहुत इंडिया में भी पहचानते हैं, पाकिस्तान में सब जानते हैं कि हम, तो वो यकीन लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह आएगा कि ये हाँ ये पाकिस्तानी ही लड़का है, तो वो बहुत अच्छा कास्टिंग है ना, इसलिए नहीं कि मैं मुझे कास्ट किया गया, कास्टिंग बहुत अच्छी हुई। बहुत अच्छी गल है, तो फिर हम 16 तरीक के लिए पूरी तैयारियां, मैं ना पहली बार मेरे ख्याल इंटरनेशनल तौर के उत्ते प्रचार के इदा बिजी हूँ, दुबई चले गए कितने चले गए, पहली बार ही होया कि हुण जिहड़ा इहदा प्रीमियर आ जिहड़ा 14 फरवरी नूं होना वह इत्थे होना, तो बहुत एक्साइटेड आ। प्रोड्यूसर की कहिंदे आ, कुछ बोले उहो? प्रोड्यूसर कहिंदे अपनी मूवी उन्होंने देखी, मूवी बहुत खुश ने, कहिंदे ये मूवी तो बहुत वधिया, दादू खुश है, सबसे बड़ी अच्छा दादू खुश है, बस इस बात पे बहुत उन्होंने तो खुश होना बहुत जरूरी है, टेक्निकल ले दे वो हर चीज पढ़ दे, वरुण अरोरा जो हमारे प्रोड्यूसर्स में से हैं
ही इज वेरी वेरी स्केप्टिकल अबाउट एवरीथिंग. बिल्कुल सही और नहीं गड़बड़े तो जितनी मर्जी रीटेक्स हो. बहुत मेहनत की लेकिन बहुत दादू ने ते वरुण ने दोनों ने मिल के सो बहुत बढ़िया खुश ने सारे. तुसी हिंदी फिल्म भी की थी कई कीतियां कई और तुसी पहली पंजाबी की थी है उधर ड्रामे भी कर रहे हो सारा कुछ बराबर रखोगे उधर भी इधर भी इधर भी इधर भी. अभी आगे का कुछ नहीं पता. मैं प्लान नहीं करता कभी प्लान नहीं करता. मेरे प्लान्स अक्सर टूट जाते हैं. और एक बड़ा अच्छा कॉल है हज़रत अली का कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना. जब आपके इरादे टूटते हैं तो आपको पता चलता है कि ऊपर कोई बैठा है जिसके इरादे हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. तो आई जस्ट लेट माई सेल्फ गो विद द फ्लो. जस्ट जो आगे होगा देखा जाएगा लेकिन मैं प्लान नहीं करता. असी ना कल दे देख रहे हैं भी तुसी उर्दू दे विच शायरी बड़ी प्यारी कर दी. हाँ ये अक्सर लिखते हो. मैं लिखता हूँ. मेरी फैमिली में शायरी थी. अच्छा. मेरे घर में मुशायरे होते थे. जो जितने भी बड़े शायर थे उनको मैंने बचपन से अपनी आंखों के सामने देखा. आपके वालिद साहब भी? जी मेरे वालिद, मेरी सिस्टर, मेरे नाना, हमारे घर में अहमद फराज, परवीन शाकिर, ये सबको मैंने देखा है. वाह. तो ये बड़े मैं बहुत लकी हूँ उस मामले में कि मेरे घर शायरी बहुत अच्छी थी और उस वजह से मेरी उर्दू बहुत अच्छी. बहुत खूब. थोड़ा सा आने दो. तुर्बत भी नहीं दिल से उतर भी नहीं जाता. तुर्बत का मतलब करीब होना. अच्छा. नज़दीकी. तुर्बत भी नहीं दिल से उतर भी नहीं जाता वो शख्स कोई फैसला कर भी नहीं जाता. हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर. डबल दोहरी डबल और अजियत का मतलब पेन कि हम ऐसे मुसाफिर हैं कि जिसकी पेन डबल है. हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर पाँव भी हैं शल शौक़े सफ़र भी नहीं जाता. वाह. मतलब हमें पाँव भी हमारे थक गए लेकिन हमें चलने का शौक़ भी है तो हमारे ये तकलीफ़ ज़्यादा है. दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता. वाह वाह. बहुत खूब. बहुत खूब. शिरा हम तुसी पेश करोगी. अरे ये क्या ये इतना रिएक्शन देख लिया ना. आज यही साडी सारी ऑडियंस दा होना. इना का यही साडी प्राप्ति है. यही साडी प्राप्ति है. ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਯਹੀ ਕਿ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ. ਕਮਾਲ ਹੈ. ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬਲੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ. ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ. ਹਮਾਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੇ ਲਈ ਸਮੀ ਉਧਰ ਆਏ. ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਫੈਨ ਬੇਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਫੱਬੂਗਾ. ਕਿਹੜਾ ਦੋ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ. ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ. ਇਰਸ਼ਾਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਅੱਛਾ. ਇੱਕ ਆਪ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀਏ ਮੈਂ. ਕੋਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ. ਕੋਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਵਾਰਗੀ. ਬਹੁਤ ਖੂਬ. ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜਿੰਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਭੀ ਜੋ ਕੱਲ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਥਾ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕੋ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲਤੀ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੰਜ਼ਿਲ. ਹਾਂ. ਕੋਈ ਹਮਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਸਫ਼ਰ ਮੇ ਰਹਾ. ਵਾਹ ਵਾਹ. ਬਹੁਤ ਖੂਬ. ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ. ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਮੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਆਡੀਅੰਸ. ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਬੇਹੱਦ ਚੱਲੇ. ਇਹਦੇ ਕਈ ਭਾਗ ਬਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲੈਣ. ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ. ਉੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉੱਥੇ. ਆਪਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਏ ਜੀ. ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. ਜੀਤੇ ਰਹੇ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ. ਧੰਨਵਾਦ. ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਮੀ ਚਹਿਲਹੋਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜੀ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ. ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ. ਹੁਣ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਹੱਬਦੇ ਹੋ ਜੱਚਦੇ ਹੋ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ. ਸਿਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੀ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ. ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਹ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ. ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ.
मुझे हमेशा से पसंद बहुत था ये सिनेमा, मैं बहुत देखता था, सिमी की मैंने सारी फिल्में देखी थी। ये जो फिल्म हमारी बनी है ये टिपिकल पंजाबी सिनेमा भी नहीं है, इट्स अ वेरी इंटरनेशनल कन्वेंशनल सिनेमा विद लॉट्स ऑफ कलर्स, आप देख रहे होंगे कि उसको वो एक रंग बहुत है, और फिल्म रंगों का ही नाम है, फिल्म ख्वाबों का ही नाम है। मन के चाक ना था यार, मेरी पहली फिल्म आ रही है, ये फिल्म ऐसी है कि जिसमें, और यकीनन ये फिल्म आप जो आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये खिड़की तोड़ रश करने वाली फिल्म है। वाह वाह, तुम सच्ची मुच्ची भी शरारती जैसे सुभा दी हो, ओए लग रही है तुम सच्ची मुच्ची गंभीर हो क्या लग रही हो, ये आप से पूछ रही हूं। द ओनली पर्सन आई थिंक शी टेक्स सीरियस इन लाइफ इज हर मदर, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई इवन रिस्पेक्ट हर मोर। जो अपनी माँ को सीरियस लेता है, माँ से प्यार करता है, वो उसकी दिल में जो है ना मेरी मेरी बहुत बहुत इसका सारी सारी दुनिया की माँ है। तुर्बत भी नहीं दिल से उतर भी नहीं जाता, तुर्बत का मतलब करीब होना, अच्छा नज़दीकी। तुर्बत भी नहीं दिल से उतर भी नहीं जाता, वो शख्स कोई फैसला कर भी नहीं जाता, हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, डबल दोहरी डबल और अजियत का मतलब पेन, कि हम ऐसे मुसाफिर हैं कि जिसकी पेन डबल, हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव भी हैं शल शौक़ सफ़र भी नहीं जाता। वाह, मतलब हमें पाँव भी हमारे थक गए लेकिन हमें चलने का शौक़ भी है, तो हमें ये तकलीफ ज़्यादा है। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, सिरा और तुसी पेश करूंगा। अरे ये क्या, ये अनदर रिएक्शन देख लिया ना, आज यही साडी सारी ऑडियंस दा होना, यही साडी प्राप्ति है, यही साडी प्राप्ति है। सब तो वड्डी गल मेरे लिए पर्सनली ये है भी ये फैमिली मूवी है, परिवार नाल देखन वाली मूवी है, किसी इंसान नु ये नहीं लगूगा भी मैं क्यों अपनी फैमिली नु नाल ले आया, न्याणे वड्डे बुजुर्ग जो मर्जी जाओ तुसी खुश हो के निकलो, तुहानू लगूगा भी एक बारी होर देखेंगे। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा, तुम देख रहे हो अजीत वैब टीवी, तो एक बार फिर पंजाबी फिल्म की गलबात लेके हाजिर हाँ। असं अक्सर यह गल कहते हों कि पंजाबी फिल्मा बनदियां रहन, चंगीयां फिल्मा बनदियां रहन, कला नचण टप्पण वाला विषय नहीं होना चाहिए, उन्हें कुछ समझाउण वाली गल्लां भी हुंदियां रहन, ते दो देशों की मुहब्बत की जेकर गल करन तां फिर सोने तो सुहागे वाली गल है। सो एक फिल्म आ रही जी 16 फरवरी नूं, इहदा नाम हैगा जी वे सोहणिया जी। पहली चंगी वड्डी ते सिरे दी गल ए आ भी ये दोहां पंजाबां दी गल करदी आ, मुहब्बत की चाशनी दे विच भिज जाण दी गल करदी आ। साढ़े नाल ने फिल्म दे नायक इमरान अब्बास साहब ते नाल ने सिमी चहल जी, की हाल है जी, जिंदाबाद हो, चढ़ते कला दे विचों फबदे हो जचदे हो, है गलबात पूरी पूरी पता नहीं, ये आप बताएंगे। नहीं, आपका नाम बहुत है पाकिस्तान में और हमने दुबई में भी देखा, कितने लोग आते हैं पिक्चर करवाने, बोलते कि इमरान तो कोका है कोका की होता है, सिरा है, आता है, गदरा है, बम है। अच्छा या ये बम वाली बात यहाँ समझ में आनी शुरू हो गई है मुझे। असी जी इस वेले दुबई के बुर्ज खलीफा के अगे बैठ के ये मुलाकात कर रहे हैं अजीत वैब टीवी के लिए। सिमी जी, तुसी बंबू कार तो शुरुआत की, जी वे सोहणिया जी तक पहुँच गए हैं, ये सफ़र किवें दा रहा जी? बहुत वधिया रहा, बहुत वधिया रहा, बस शुकराना ही है भाई जी, बहुत वधिया रहा, बस थोड़ा ध्यान नाल आराम आराम नाल मैं थोड़ी जी चूज़ कर दी हाँ प्रोजेक्ट्स, यह आ थोड़ी थोड़े आराम नाल स्लो काम कर दी हाँ, पर गड्डी चली जाती है वधिया। हाँ, पर जे तुसी पहले दिन जो काम किया, जो थोड़ा पहला मौका मिलया, तो जो थो हूँ इस फिल्म का मौका मिलया, तो मन के ख्याल भी सिमिए कितों तुरी बरनाले हो, दुनिया भर के शाग ही कोके जड़ते भाजी। यह मूवी का जो इस मूवी तक सफ़र पहुँचा करते करते यदा ना इस मैसेज बहुत सोहना, गल बहुत सोहनी आ, तो जो मैं दीपक ने सुनाई तो दादू का फोन आया से मैनू, मैं राइट अवे गल उन्नी गल सुन के मैं हाँ कहता सी भी जे तुसी इस पक्ष की गल कर रहे हो फिर मैं तो डना वाला, तो फिर मैं बाद चो पता चला भी इमरान जी ने, फिर मैं ये तो सोने तो देर हो चुकी थी, फिर देर हो चुकी थी, अब क्या चलो, फिर मैं क्या सोने तो सहागा, ये तो बहुत वधिया, फिर जी बस अज तो सामने बैठे हैं। बहुत खूब इमरान जी, कहते सोचा कि पंजाबी फिल्म के बॉलीवुड की फिल्म के कभी नहीं, कभी नहीं, सीरियसली कभी सोचा भी नहीं। मुझे हमेशा से पसंद बहुत था ये सिनेमा, मैं बहुत देखता था, सिमी की मैंने सारी फिल्में देखी थी, लेकिन अच्छा मुझे जो चीज़ फैसिनेट करती थी वो प्योरिटी और
वो एक सच्चाई जो नज़र आती है ना आपके एक्टर्स के अंदर और एक उनके अभी परफॉर्मेंसेस में, उस लैंडस्केप में, मिट्टी के रंग, वो खाकी एक अर्दी सी टोन, वो पैलेट, वो मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेट करती थी। लेकिन मैंने जब खुद भी इसमें काम किया तो मुझे लगा कि अब ये जो फिल्म हमारी बनी है ये टिपिकल पंजाबी सिनेमा भी नहीं है, इट्स अ वेरी इंटरनेशनल कन्वेंशनल सिनेमा विद लॉट्स ऑफ कलर्स, विद आप देख रहे होंगे कि उसको वो एक रंग बहुत हैं, और फिल्म रंगों का ही नाम है, फिल्म ख्वाबों का ही नाम है, फिल्म फैंटेसी का बहुत हूँ मन के